हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 31 मई और 1 जून 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊँगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम संबंधित बुक्स का PDF अपलोड किया हूँ, जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसे उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी व राष्ट्रीय बागवानी मिशन के नए संचालक नियुक्त किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन 4 श्री माथेश्वरन वी को छत्तीसगढ़ सरकार ने उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के नए संचालक नियुक्त किया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन भारतीय वन सेवा के अधिकारी श्री माथेश्वरन वी को उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के संचालक नियुक्त किया है। श्री माथेश्वरन वी ने आज 27 मई 2020 को अपना पदभार ग्रहण किया है। निवर्तमान संचालक डॉक्टर प्रभाकर सिंह ने उन्हें पदभार सौंपा। इस अवसर पर संचालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी ने नवपदस्थ संचालक का स्वागत किया एवं निवर्तमान संचालक डॉक्टर सिंह को भावभीनी विदाई दी। भारतीय वन सेवा के 2006 बैच के अधिकारी श्री माथेश्वरन वी छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में वन मंडलाधिकारी के पद पर कार्यरत रहे हैं। वर्ष 2017-2019 के मध्य मारवाही में DFO पदस्थ रहे श्री माथेश्वरन वी ने सैकड़ों महिलाओं को स्वसहायता समूह के माध्यम से लाख की जोड़ियों यहाँ पर दोस्तों ये लाख की चूड़ियाँ के निर्माण कार्य से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस एकेडमी एवं टेनिस स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 रायपुर जिले में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस एकेडमी एवं स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राजधानी में 17 करोड़ की लागत से बनेगा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय के पास करीब 17 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने टेनिस एकेडमी एवं टेनिस स्टेडियम के लिए भूमि का आवंटन किया है। साथ ही एकेडमी निर्माण के लिए तत्काल टेंडर भी जारी करने का निर्देश दिया है, जिसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। CM श्री भूपेश बघेल ने इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम को मंजूरी दी है। इसके लिए जल्द ही निर्माण संबंधित औपचारिकताएँ शुरू होगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने यह जानकारी दी है। अब दोस्तों, यह इस क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बनाया जाएगा, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है रायपुर। रायपुर शहर को कलचूरी राजवंश के राजा रामचंद्र देव ने 1409 ईस्वी में कलचूरी राजवंश के राजा रामचंद्र देव ने बसाया था। इसका नामकरण अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। रायपुर जिले का गठन 2 नवंबर 1861 में किया गया था। रायपुर जिले का मुख्यालय रायपुर है। रायपुर खारून नदी के किनारे बसा शहर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर नवा रायपुर रायपुर जिले में स्थित है। 1862 में जब छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया, तब उसका मुख्यालय रायपुर को बनाया गया। 1967 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का प्रथम नगर निगम बनाया गया। यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन नगर निगम है। रायपुर जिले
में औद्योगिक क्षेत्र जैसे यहाँ पर उल्ला है, यह प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है, जहाँ पर ड्राई पोर्ट भी स्थित है। साथ ही यहाँ पर सिलतरा, रायपुर जिले के सिलतरा यह प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। यहाँ पर सहकार कॉम्प्लेक्स, एग्रो एक्सपोर्ट जोन आदि भी यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर जैसे रायपुर जिले के भनपुरी में अपेराल पार्क का, राव भाट में मेटल पार्क का, साथ ही यहाँ पर दोस्तों रायपुर जिले के दो तिल्दा में राइस मिल कॉम्प्लेक्स, पाली पार्क भी स्थित है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राइस मिल रायपुर जिले में है, परंतु राइस मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण धमतरी जिले में है। दोस्तों अगर आपसे इस राइस मिल से संबंधित दो तरह का से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक राइस मिल है, अगर इस तरीका से क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका आंसर आपको रायपुर लेना है। परंतु राइस मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर करके पूछेंगे तो आपको इसका आंसर धमतरी जिला लेना है। दोस्तों साथ ही यहाँ पर आगे देखिए, अटल नगर, नवा रायपुर, कुठेर भाठा और राखी गांव में जेम्स एंड जरूरी पार्क, साथ ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज भी स्थित है। यहाँ पर आईटी पार्क का ट्रिपल आईटी भी स्थित है। यहाँ पर जैसे रायपुर जिले के मड़वा ग्राम में दोस्तों यहाँ पर जंगल सफारी भी स्थित है। रायपुर जिले के परसदा में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका निर्माण नागा अर्जुन कंस्ट्रक्शन हैदराबाद द्वारा किया गया था। यहाँ पर प्रमुख संस्थान है जैसे NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर में स्थित है। साथ ही यहाँ पर पंडित दीनदयाल आयुष स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय रायपुर में है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट संस्थान एम्स रायपुर में स्थित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM भी रायपुर में स्थित है। साथ ही यहाँ पर निजी क्षेत्र का मैट्स विश्वविद्यालय गुलूर आरंग में स्थित है। आरंग को छत्तीसगढ़ में मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर जैसे पुरखैती मुक्तांगन है, जहाँ जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य राज्य की प्राचीन संस्कृति को सहेजे एवं दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर रायपुर जिले के चंदखुरी में कौशल्या माता की मंदिर है, यह भारत का एकमात्र कौशल्या माता की मंदिर है। रायपुर जिले के खारून नदी तट पर हटकेश्वर मंदिर है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में बनी शॉर्ट फिल्म द गोल्ड द चिकन स्टोरी का प्रदर्शन अमेरिका के ऑनलाइन चैनल बी बॉप में किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, बी बॉप में किया जा रहा है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है, यहाँ पर भी दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि फिल्म का लेखक नहीं होता निर्देशक होता है। तो इस फिल्म का निर्देशक कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड रुपेश प्रसाद। दोस्तों यहाँ पर जो रुपेश प्रसाद या रुपेश कुमार हम दोनों बोल सकते हैं, इसका लेखक है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, द गोल्ड इन द चिकन स्टोरी में दिखाया जलवा संस्कार धनी का किया नाम रोशन। छत्तीसगढ़ में बनी शॉर्ट फिल्म द गोल्ड इन द चिकन स्टोरी का प्रदर्शन अमेरिका के ऑनलाइन चैनल बी बाप में किया जा रहा है। इसमें राजनांदगांव शहर के मंजे हुए कलाकार यशवंत आनंद गुप्ता, नीरज उके और सुरभि श्रीवास्तव ने सशक्त भूमिका निभाई है। इस फिल्म के निर्देशक रुपेश प्रसाद है। रुपेश प्रसाद की फिल्म पहले भी कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हो चुकी है। बता दें कि इस फिल्म का चयन न्यूयॉर्क में होने वाली फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया था, परंतु COVID-19 के कारण जून जुलाई में होने वाला यह फेस्टिवल टल गया है। अब दोस्तों इस फिल्म में राजनांदगांव के मंझे हुए कलाकार जैसे अश्वन आनंद गुप्ता, नीरज विके, सुरभि श्रीवास्तव ने मुख्य भूमिका निभाई है। तो आप राजनांदगांव जिले के बारे में जानिए। दोस्तों राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ के जो दुर्ग संभाग है उसका एक जिला है। तो सबसे पहले हम दुर्ग संभाग के बारे में जानते हैं। दुर्ग संभाग का गठन सन 2013 में किया गया था। दुर्ग संभाग में निम्न जिले हैं, जैसे यहाँ पर दुर्ग संभाग में कवर्धा जिला, बेमेतरा जिला, राजनांदगांव जिला, दुर्ग जिला, बालोद जिला आदि जिलों को मिलाकर दुर्ग संभाग का गठन किया गया है। दुर्ग जिले में दोस्तों केवल 5 जिले हैं। यहाँ पर दुर्ग जिले में जैसे तहसील की संख्या है यहाँ पर 26 तथा विकासखंड की संख्या है 25। यहाँ पर दोस्तों नगर निगम की संख्या 4 है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में नगर निगम की संख्या का आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो सबसे बड़ा संभाग दुर्ग संभाग है। नगर निगम संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग दोस्तों यहाँ पर दुर्ग संभाग है। यहाँ पर दोस्तों आगे देखिए, नगर पालिका परिषद की संख्या 9 है, नगर पंचायत की संख्या 26 है। यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय अभयारण्य 1 है। यहाँ पर जैसे
प्रमुख मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मटासी मिट्टी, साथ ही यहाँ पर काली मिट्टी जिसे जिसे कन्हार मिट्टी भी कहा जाता है। कन्हार मिट्टी का स्थानीय नाम और है दोस्तों, जो काली मिट्टी है दोस्तों इसका इसका स्थानीय नाम कन्हार मिट्टी है। इसे रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी आदि के नाम से जाना जाता है। साथ ही दोस्तों जो काली मिट्टी जो उच्च क्षेत्र में पाया जाता है उसको भरणी भी कहा जाता है। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। यहाँ पर मुख्य क्रम की चट्टान जैसे कड़प्पा क्रम की चट्टान दुर्गा संभाग में पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर मुख्य जैसे खनिज, यहाँ पर लोहा, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट आदि दुर्गा संभाग से उत्खनन किया जाता है। यहाँ पर मुख्य जनजाति जैसे बैगा अगरिया जनजाति है। बैगा जनजाति को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। बैगा जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो अगरिया जनजाति है इसका कार्य लोहा गलाने का कार्य अगरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन राजनांदगांव जिले के कलाकारों द्वारा मुख्य भूमिका निभाई है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव जिला का गठन सन 1973 में किया गया था। राजनांदगांव जिला का मातृ जिला दुर्ग है। दुर्ग जिले के विभाजन का राजनांदगांव जिला का निर्माण किया गया था। यहाँ पर राजनांदगांव एक नगर निगम है दोस्तों, साथ ही यहाँ पर नगर पालिका परिषद जैसे खैरागढ़, डोंगरगढ़, नगर पंचायत छुई खदान, डोंगरगढ़, अम्बागढ़ आदि दोस्तों यहाँ पर नगर पंचायत। साथ ही यहाँ पर पर्वत की है दोस्तों जो मैकल पर्वत, यहाँ पर दोस्तों जो मैकल श्रेणी है दोस्तों यह राजनांदगांव जिला में भी इसका विस्तार है। साथ ही यहाँ पर नदियाँ जैसे शिवनाथ नदी, आमे नदी, सुरही नदी, सकरी नदी, बाघ नदी आदि राजनांदगांव जिले में बहती है। साथ ही यहाँ पर जैसे प्रमुख मिट्टी जैसे लाल पीली मिट्टी दोस्तों जिसका स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है यह राजनांदगांव क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर कड़प्पा क्रम की चट्टान भी राजनांदगांव जिले में फैला है। साथ ही यहाँ पर आगे देखिए जैसे खनिज क्षेत्र जहाँ से इसका दो राजनांदगांव जिले के जो टप्पा क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर सोना प्राप्त होता है। यहाँ पर जैसे राजनांदगांव जिले के बोरिया टिब्बू से लाव अयस्क खनन किया जाता है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो राजनांदगांव जिले में बैगा अगरिया आदि जनजाति पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर आगे और देखिए जैसे यहाँ पर राजनांदगांव जिले से संबंधित स्पेशल फैक्ट और देखिए जैसे यहाँ पर राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। राजनांदगांव जिले के पश्चिम की ओर बहती हुई बाघ नदी बहती है। साथ ही यहाँ पर राजनांदगांव जिले के जो खैरागढ़ है दोस्तों यहाँ पर एशिया का सबसे प्राचीन संगीत विश्वविद्यालय और एकमात्र विश्वविद्यालय राजनांदगांव के खैरागढ़ में स्थित है, जिसका नाम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है दोस्तों छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे पहला और सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना सन 1956 में किया गया था। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कितने नए BSL सेकेंड लैब स्थापित की जाएगी जिसमें कोरोना वायरस का टेस्टिंग किया जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड 3 BSL लैब छत्तीसगढ़ में स्थापित की जाएगी जिसमें कोरोना वायरस टेस्टिंग की जाएगी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, छत्तीसगढ़ में स्थापित होंगे 3 नए BSL सेकेंड लैब, कोरोना जांच में आएगी तेजी। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने प्रदेश में 3 BSL सेकेंड लैब स्थापित करने का फैसला किया है। नए BSL IT लैब स्थापित किए जाने के बाद प्रदेश में कोरोना जांच में तेजी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच हो सकेगी। इस बात की जानकारी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS शिवदेव ने दी है। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ सरकार बिलासपुर, राजनांदगांव और अंबिकापुर में 3 नए BSL लैब स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों यह इसमें इस क्वेश्चन में हम दोस्तों हम राजनांदगांव के बारे में स्पेशल डिटेल से नहीं जानेंगे, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में राजनांदगांव जिले से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है वो सारे फैक्ट को हम जान लेंगे। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो बिलासपुर जिला है, साथ ही यहाँ पर जो सरगुजा जिले है दोस्तों इसके बारे में हम स्पेशल फैक्ट आगे और देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले बिलासपुर जिले के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए यह बिलासपुर, बिलासपुर जिले को आप छत्तीसगढ़ में मैप में देखिए यह बिलासपुर जिला दोस्तों। यहाँ हाल ही में 2020 में दोस्तों बिलासपुर जिले का विभाजन कर
दिया गया है, जिसके कारण अब इसका क्षेत्र में कमी आ गई है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर इसका निर्माण देखिए, जिसे बिलासपुर जिले का गठन सन 1861 में किया गया था। बिलासपुर जिले का जिला मुख्यालय बिलासपुर है। बिलासपुर दोस्तों एक संभाग भी है, बिलासपुर नगर निगम भी है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर बिलासपुर में नगर पालिका परिषद जैसे तिफरा, तखतपुर, रतनपुर आदि नगर पालिका परिषद है। साथ ही यहाँ पर नगर पंचायत है दोस्तों, जैसे सकरी, कोटा, सिरगिट्टी, बोदरी, बिल्हा, मल्हार आदि नगर पंचायत बिलासपुर जिले में है। यहाँ पर दोस्तों जो पर्वत एवं पठार, साथ ही यहाँ पर नदियाँ देखिए, यहाँ पर नदियाँ हैं जैसे अरपा, खारंग, शिवनाथ, बोराई, लीलागढ़, मनियारी नदी आदि है। साथ ही यहाँ पर जैसे बिलासपुर जिले में मुख्य मिट्टी, तो यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जिसका स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। साथ ही यहाँ पर बिलासपुर जिले में कड़प्पा क्रम की चट्टान पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर जो खनिज क्षेत्र है, जैसे हिर्रीमैन से डोलोमाइट का उत्खनन किया जाता है। साथ ही यहाँ पर पुरातात्विक स्थल है, जैसे मल्हार, ताला गांव, धनपुर आदि बिलासपुर जिले में स्थित है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जैसे कारखाना है, जैसे दिया सलाई का कारखाना है। यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ का सियावकाशी भी कहा जाता है बिलासपुर को, क्योंकि है दोस्तों यह माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का सियावकाशी भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर आगे और देखिए, औद्योगिक क्षेत्र टिपरा, सिरगिट्टी, सीपा, दगोरी आदि स्थित है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर जैसे जनजाति जैसे भैना, धनवार, अगरला आदि जनजाति बिलासपुर जिले में निवास करती है। यहाँ पर अब मैप में और कुछ और देखिए, जैसे यहाँ दोस्तों यहाँ बिलासपुर जिले का पूरा मैप है दोस्तों। यहाँ पर 2020 में दोस्तों यहाँ पर जो बिलासपुर जिले का विभाजन कर दिया है, जिसके कारण अब बिलासपुर जिले से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जो दोस्तों गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जो तहसील है दोस्तों, विभाजन कर एक नया जिला बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला दोस्तों। यह छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम जिला है, और यह छत्तीसगढ़ का जिले के संख्या के क्रम में दोस्तों ये 28वां नंबर का जिला है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों अब जो अरपा नदी का उद्गम दोस्तों जो पहले बिलासपुर से था, अब विभाजन हो गया है, तो जिसके कारण अब यह जो अरपा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों पेंड्रा लोरमी की पठार से होता है दोस्तों। यह जो गौरेला, पेंड्रा, मारवाही जिले से अब अरपा नदी का उद्गम होता है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों मनियारी नदी है। मनियारी नदी के तट पर प्रदेश का सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठाजी का मंदिर भी यहाँ पर है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर जैसे चकरभाटा, बिलासपुर के जो चकरभाटा, यहाँ पर हवाई पट्टी स्थित है। प्रदेश में वर्तमान में दोस्तों कुल 9 हवाई पट्टी स्थित है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का दोस्तों अब इस क्वेश्चन में जो अंबिकापुर है उसमें BSL सेकेंड लैब स्थापित किया जाएगा, तो आप सरगुजा जिले के बारे में जानिए। सरगुजा जिले के गठन 1948 में किया गया था। सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय अंबिकापुर है दोस्तों। अंबिकापुर में ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंह द्वारा BSL लैब स्थापित करने की जानकारी दी है दोस्तों। अब हम देखते हैं इसके बारे में और सरगुजा दोस्तों, ये सरगुजा जिले में अंबिकापुर ये नगर निगम है। साथ ही यहाँ पर नगर पालिका परिषद की संख्या यहाँ पर नहीं है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर नगर पंचायत है, जैसे यहाँ पर सीतापुर, लखनपुर आदि नगर पंचायत है। यहाँ पर दोस्तों जो सरगुजा जिला है, वहाँ पर छुरी, मतरिंगा की पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी, मैनपाट आदि है। यहाँ पर मुख्य नदियाँ जैसे मार नदी, रिहन नदी है। रिहन नदी को सरगुजा जिले की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। साथ ही इसे सरगुजा संभाग की जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। मुख्य मिट्टी यहाँ पर जैसे लाल पीली मिट्टी पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, जिसका स्थानीय नाम मटासी मिट्टी। यहाँ पर जैसे चट्टान, जैसे यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टान पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टान से दोस्तों कोयले का उत्खनन किया जाता है दोस्तों। जो कोयला मिलता है वो गोंडवाना क्रम के चट्टान से ही प्राप्त होता है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो खनिज क्षेत्र है, जैसे मैनपाट से बक्साइट, यहाँ पर जैसे पुरातात्विक स्थल जैसे महेशपुर, रामगढ़ की पहाड़ी आदि है। यहाँ पर जनजाति जैसे पंडो, भुइया, भारिया, मांझी, खैरवार, कोरकू, पारधी, मुंडा, खाड़िया आदि जनजाति सरगुजा जिले में निवास करती है। यहाँ पर दोस्तों मैप से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। अब ये
सरगुजा ज़िले का दोस्तों ये पूरा मैप में स्पेशल यहाँ पर व्यू दिखाया गया है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर दरीमा हवाई पट्टी भी यह सरगुजा ज़िले के अंबिकापुर में स्थित है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो छोरी मतरिंगा की पहाड़ी है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों रिहन नदी का उद्गम होता है दोस्तों। रिहन नदी को छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले का जीवा रेखा नदी भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो आगे देखिए, यहाँ पर जो मैन पाट की पहाड़ी है दोस्तों, मैन पाट की जो पहाड़ी है यहाँ से दोस्तों मारना नदी का उद्गम स्थल है। मार नदी का उद्गम स्थल मैन पाट की पहाड़ी है दोस्तों। मार नदी में ही दोस्तों सरभंजा जलप्रपात है। सरभंजा जलप्रपात किस नदी पर है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इसे मार नदी पर क्लिक करके आना है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर जैसे सरगुजा ज़िले में दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या एवं वन क्षेत्र वाला ज़िला भी यहाँ पर दोस्तों ये सरगुजा है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड, टामांसी सोनवानी को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, सीजीपीएससी के नए चेयरमैन बने टामांसी सोनवानी, के आर पिस्दा की जगह लेंगे मुख्यमंत्री सचिवालय के सेक्रेटरी और डायरेक्टर एग्रीकल्चर टामन सिंह सोनवानी राज्य लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। टामन सिंह 2004 बैच के आईएएस अफसर है। वे नारायणपुर और कांकेर जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं। इन इलाकों में सड़क पानी और बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया गया। साथ ही यहां पर दोस्तों टामन सिंह 21 सितंबर में रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब चेयरमैन बनने की स्थिति में उन्हें वीआरएस लेना होगा। पीएससी चेयरमैन रिटायरमेंट एज 62 साल है, वे अभी 58 साल के हैं। इस तरह वे करीब 3.5 साल चेयरमैन रहेंगे। हाल ही में किसने जल जीवन मिशन को मंजूरी दी है। इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को मंजूरी दी है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, जल जीवन मिशन केंद्र से मिली मंजूरी, 16.70 लाख घरों में दिए जाएंगे नल कनेक्शन। जल शक्ति मंत्रालय के विचार और अनुमोदन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ने 2020-21 के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की। गौरतलब है कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत शुरू किए गए जल जीवन मिशन के उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता को पर्याप्त पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। भारत सरकार ने 2020-21 में राज्य में जल जीवन मिशन कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राज्य में 45 लाख घरों में से 20 लाख घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।